हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी के गुरजी ते। जी साथियों, जिवें कि तुहानू सारयां नू पता है कि आपां इस चैनल ते वार्ड अटेंडेंट दे एग्जाम दे लई इंपोर्टेंट एमसीक्यू दी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। हाँ जी, अज इस सीरीज़ का छेवां पार्ट रहने वाला है। इस तों पहलां इस ते पंज पार्ट अपलोड हो चुके ने। जिन्हां साथियों ने वो वीडियो नहीं वेखी तो अज दी इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स च उन्हां नू लिंक मिल जाएगा, उत्थों जाके वो वीडियो वेख सकते हैं। हाँ जी, आज की वीडियो नू स्टार्ट करने तो पहला जिहड़े भी साथी साडे वीडियो पहली बार वेख रहे हैं, पहली बार साडे चैनल ते जुड़े ने, वो इस चैनल नू जरूर सबसक्राइब कर लेन ते नाल लगे बैल आइकन भी प्रेस कर लेन, जिस दे नाल तुहानू साडी हरेक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम नाल मिलती रहेगी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन पूछा गया सी जी, किलड़ रोग किस विटामिन की घाट कारण हुंदा है? तो यह हुंदा है जी आयोडीन की घाट कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही सी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अज के क्वेश्चन तो। अपना फस्ट क्वेश्चन दिता हुआ जी, उस उपकरण का नाम दसो जिस दी वरतों गर्भ अवस्था में शिशु की दिल की धड़कन चेक करने की जाती है। जी ये क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम ऑफ पॉइंट नाल वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है जी। चार ऑप्शन दिते हुए हैं। फस्ट है स्टैथोस्कोप, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी भ्रूण स्टैथोस्कोप, थर्ड ऑप्शन है पायरोमीटर, तो फोर्थ है जी ऑडियोमीटर। हाँ जी, आप दसना सी कि उस उपकरण का नाँ जिहड़ा गर्भ अवस्था में शिशु की दिल की धड़कन चेक करता है, तो वह हैगा जी भ्रूण स्टैथोस्कोप। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाता है। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वल। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ जी, हेठ लिखियां विचों सही है, आप सही दसना है। चार ऑप्शन दिते हुए हैं। फस्ट है जी सैलसीयस पैमाने विच मनुख का साधारण ताप 37 डिग्री सी सैलसीयस हुंदा है। हाँ जी, फस्ट ऑप्शन अपना करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वल, सॉरी नैक्सट ऑप्शन वल चलते हैं। अपना नैक्सट ऑप्शन दिता हुआ है ऑप्शन नंबर बी, फारनहाइट पैमाने विच मनुख का साधारण ताप 98.6 डिग्री फारनहाइट हुंदा है। हाँ जी, ऑप्शन बी भी अपना करैक्ट है, क्योंकि फारनहाइट पैमाने विच मनुख का जिहड़ा तापमान हुंदा है वो 98.6 डिग्री फारनहाइट हुंदा है। ऑप्शन नंबर सी अपना दिता हुआ है, कैलविन पैमाने विच मनुख का साधारण ताप 310 कैलविन हुंदा है। तो ऑप्शन सी भी अपना सही है, आप सही दसना सी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अपना करैक्ट हो जाता है, क्योंकि तिने ऑप्शन सही दिते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 56, ड्रेसिंग अते बैंडेज की वरतों क्यों की जाती है? हाँ जी, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, इसते स्टार पा देना जी मैं। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रेसिंग अते बैंडेज की वरतों क्यों की जाती है? सब तो पहला आपां नूं पता होना चाहिए कि ड्रेसिंग ते बैंडेज होंदी की है। जिवें कि किसी व्यक्ति नूं सट लगी है तो उसका चोट लगी उस तां तों खून वग रहा है बहुत तेजी नाल, तो सब तो पहला आपां उसकी ड्रेसिंग करांगे, यानी कि पट्टी करते हैं तो उसके उपर आपां एक पेड़ की तरह पट्टी जी बना के रखते हैं इस तरह की, उसनों कहिंदे ने ड्रेसिंग, तो उस तो बाद उसके उत्ते आपां पट्टी बनते हैं इस तरह, तो उसनों कहिंदे ने बैंडेज। उम्मीद करदा तुहानूं पता लग गया होगा। तो चार ऑप्शन दिते हुए हैं। फस्ट है जी अंदरूनी खून के रिसाव को रोकने लई, सैकेंड ऑप्शन है मरीज़ के दर्द को घटाने के लिए, थर्ड ऑप्शन है जी खून के रिसाव नू अते इन्फेक्शन नू रोकने लई, फोर्थ है जी मरीज़ नू हस्पताल ले जाने लई सौखा करने लई। तो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, खून के रिसाव नू अते इन्फेक्शन नू रोकने के लिए आपां ड्रेसिंग अते बैंडेज की वरतों करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 57 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, खून के रिसाव वाले जख्म की देखभाल लई पहला स्टैप की है? हाँ जी, पहला स्टैप की होना चाहिए? चार ऑप्शन ने। फस्ट है जी साफ अते कीटाणु मुक्त ड्रेसिंग नाल दबाओ, यानी कि जिस जख्म पर खून वग रहा है उसनों साफ अते कीटाणु मुक्त ड्रेसिंग नाल उसनों पहला दबाना आप। सैकेंड ऑप्शन दिता जी दबाव वाले पॉइंट ते दबाव पाओ, थर्ड ऑप्शन है ज़्यादा ड्रेसिंग करना खून सोखण लई, ते फोर्थ है जी जख्म नूं उच्चा करना। इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फस्ट, साफ अते कीटाणु मुक्त ड्रेसिंग नाल उस जख्म नूं दबाओ ताकि खून का वाह जिहड़ा रुक जाए, तो उस तो बाद उसकी आपां बैंडेज नाल उसकी पट्टी कर देनी है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। अपना नैक्सट क्वेश्चन आ जाता जी क्वेश्चन नंबर 58, थर्मामीटर की खोज की सी? जी आप दसना है कि थर्मामीटर की खोज किन्ने की सी?
चार ऑप्शन ने। फर्स्ट है जी न्यूटन, सैकेंड ऑप्शन दिता है लुईस पाश्चर, ऑप्शन नंबर थर्ड है जी फारनहाइट, तो फोर्थ है जी चैडविक। हाँ जी थर्मामीटर की खोज की फारनहाइट ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाता है। हाँ जी फ्रेंड, जेकर तुहानू ये वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने साथियों के नाल वीडियो को शेयर करो, क्योंकि तुहाडे एक एक लाइक के कारण सानू वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। तो जेकर तुहानू ये वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करो। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता जी, इस क्वेश्चन पर भी मैं स्टार बना देना जी। क्वेश्चन हैगा जी, हेठ लिखिया विचों केड़ा अंदरूनी ब्लीडिंग का लक्षण है, यानी कि किसी व्यक्ति की जेकर अंदरूनी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो आपां किन्ना लक्षणा कारण पता चलेगा। फर्स्ट ऑप्शन दिता जी चमड़ी का ज़्यादा ठंडा महसूस करना, जां पीला जां नीला होना, यानी कि चमड़ी का ज़्यादा ठंडा महसूस करना तो चमड़ी का पीला जां नीला होना। सैकेंड ऑप्शन हैगा जी तेज़ कमजोर पल्स, तो ज़्यादा प्यास लगना। थर्ड ऑप्शन दिता है नरम फुले हुए जा चुलसे शरीर के हिस्से। तो ये तीनों कारण ने जिन्हों कारण आपू पता चलता है कि व्यक्ति की अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अपना करैक्ट हो जाता जी, उपरोक्त सारे। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन नंबर 60 दिता हुआ जी, एलिसा का पूरा नाम दसो। चार ऑप्शन दिते हुए हैं। फस्ट है जी एंजाइम लिंकड इम्यूनोसोरबेंट असे, सैकेंड ऑप्शन है ईजी लिंकड इम्यूनोसोरबेंट असे, थर्ड ऑप्शन है जी एलीमिनेटेड लाइन इम्यूनिटी सोरबेंट असे, तो फोर्थ है जी नैन ऑफ दीज। हाँ जी आप ELISA का पूरा नाम दसना सी। इस क्वेश्चन का फस्ट ऑप्शन अपना करैक्ट हो जाता जी, एंजाइम लिंकड इम्यूनोसोरबेंट असे। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 61 अपना दिता हुआ है, डेंगू किस तो फैलता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, तो तुसी भी ध्यान रखना है क्योंकि इस समय डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। चार ऑप्शन ने। फर्स्ट है जी एनोफिलीज मच्छर, सैकेंड ऑप्शन दिता है एडिज एजिप्टी मच्छर, थर्ड ऑप्शन है जी वायरस, तो फोर्थ है जी मक्खी। हाँ जी डेंगू किस नाल फैलता है जी, एडिस एजिप्टी नाँ के मच्छर तो, यह चिट्टा मच्छर होंगे जी, इस तो डेंगू फैलता है। ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाता है। तुसी कमेंट बॉक्स इन्ना दसना है कि यह मच्छर मादा होंगे जा नर, यानी कि मेल होंगे जा फीमेल, तुसी दसना है कि जिस तो डेंगू फैलता है वह मच्छर मादा होंगे जा नर। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 अपना दिता है, STD तो की भाव है। चार ऑप्शन ने। फर्स्ट है जी सेंसिटिव ट्रांसफर डिजीज़, सैकेंड ऑप्शन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, थर्ड ऑप्शन है जी सेक्सुअल ट्रांसफर ऑफ डिजीज़, तो फोर्थ है सेंसुअल ट्रांसफर डिजीज़। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाता जी, STD। इसकी फुल फॉर्म आप दसनी सी, इसकी फुल फॉर्म दे जी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि ये डिजीज़ उस व्यक्ति को होंगी है जिहड़ा कि मल्टीपल अपने पार्टनर के नाल फिजिकल रिलेशन बनाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाता जी, सैक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी अपना अज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जी, PPE तो तुहाडा की भाव है। चार ऑप्शन दिते हुए ने। फस्ट है जी प्री प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, सैकेंड ऑप्शन है परसनल प्रिवेंशन इक्विपमेंट, थर्ड ऑप्शन है जी परसनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, तो फोर्थ है जी नन ऑफ दीज। हाँ जी आप दसना सी PPE की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होंगी जी परसनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाता है। हाँ जी आज की इस वीडियो इतने समाप्त करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने साथियों के नाल वीडियो को शेयर करो। जेकर तुसी साडे चैनल पर नवे हो, पहली बार साडी वीडियो वेख रहे हो, तो चैनल में जरूर सबसक्राइब करो, तो नाल लगे बैल आइकन भी प्रेस करना, जिस दे नाल तुहानू साडी हरेक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम नाल मिलती रहे। हाँ जी मिलते हैं जी नैक्सट वीडियो से, उदों तक के लिए टेक केयर।